Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our last session, that is session number 5 of chapter number 1, named Numbers Up to 100. Yes, this is our last session for this chapter. So what we did in our previous session? We learned about number and number names from 51 to 100, right? And we even solved the exercise based on it, as well as place value and expanded form of those numbers. Now, in today's session, we are going to learn about skip counting. As I have written on the board, skip counting. What does skip counting means? First of all, do you know what is skip? Skip ka meaning, aapko pata hai skip ka meaning kya hota hai? Skip means kisi kisi cheez ko chhodna, right? That is known as skip. For example, agar main kehti hoon ke ek bus mein teacher sare students ko leke ja rahi hai aur didi bol rahi hai ki, I mean teachers bol rahi hai ki two two ki pairs mein sab log khade ho jao. तो दीदी ने जो टू टू के पैर्स में खड़ा किया, इसका मतलब एक दो जने, उसके बाद दो जने, उसके बाद टू 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 टू, ऐसे करके पूरी लाइन टू टू स्टूडेंट्स की बनवाई. तो ये क्या था? आपकी टीचर ने टू स्टूडेंट्स के ग्रुप में सबको स्किप काउंटिंग करवाया. इसका मतलब टू टू के ग्रुप में सबको डिवाइड किया, राइट? तो उसी चीज को स्किप काउंटिंग बोलते हैं. टू टू नंबर में डिवाइड करो, या फिर थ्री में करो, फोर में करो, वो सारा स्किप काउंटिंग हुआ. मतलब वन टू दो एक साथ हुए, उसके बाद स्किप किया, मतलब छोड़ा, और उसके बाद वापस दो, राइट? दैट इज नोन एज स्किप काउंटिंग. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हमेशा याद रखना, स्किप काउंटिंग टू नंबर से स्टार्ट होती है. वन से कभी भी स्किप काउंटिंग नहीं किया जाता. लाइक वन टू थ्री फोर, तो आप वन को बाद टू ही आता है, उसके बीच में कोई नंबर आता नहीं है, तो आप कुछ स्किप नहीं कर सकते. स्किप कभी कर सकते हो जब बीच में कोई नंबर आता हो. दैट इज व्हाई स्किप काउंटिंग हमेशा टू नंबर से स्टार्ट होता है. तो सपोज मैं यहाँ पे 1 से 10 तक पहले लिख दूं, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं. ओके, नाउ सपोज चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग नंबर 2. ओके, ये 2 नंबर लिया. अब 2 में स्किप काउंटिंग करना है, इसका मतलब 2 नंबर मुझे छोड़ने हैं. जो मैं स्किप काउंटिंग के लिए नंबर ले रही हूँ, वही नंबर उतने ही इसमें से मुझे छोड़ने, मतलब डिडक्ट करने, निकालने हैं. अब 2 के बाद एक ये नंबर गया, और फिर कौन सा आया? 4. तो 2 के बाद कौन सा आया? 4. इसका मतलब एक नंबर, और फिर सेकंड नंबर जो आएगा वो आप यहां लिखोगे. सिमिलरली 4 के बाद ये फर्स्ट नंबर गया, ये गया, और उसके बाद कौन सा आया? 6. तो क्या लिखूंगी? 6. सिमिलरली अब 6 के बाद 1 नंबर गया, दूसरा कौन सा आया? 8. सो व्हाट आई विल राइट? 8. सिमिलरली 9 में, सॉरी 8 के बाद 9 गया, एक नंबर ये गया, और दूसरा कौन सा बचा? 10. तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? स्किप काउंटिंग इन टूज. दिस इज नोन एज स्किप काउंटिंग इन टूज. टूज ये शॉर्ट फॉर्म है उसका. टूज मतलब टू टू नंबर की आप स्किप काउंटिंग कर रहे हो. 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, एंड द लास्ट इज 10. यू कैन कैरी ऑन अप टिल एज मेनी नंबर्स एज यू वांट. अगर 10 के बाद मैं करूंगी तो कौन सा आएगा? 2 में अगर स्किप करती हूं तो 11, और सेकंड नंबर कौन सा आया? 12. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 12, राइट? सिमिलरली यही चीज अगर मेरे को 3s में करनी है, 3 से मेरे को स्टार्ट करनी है, ठीक है? सो पहले मैं क्या करूंगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन तक में लिख रहे हो नंबर्स, ओके। अब मेरे को ये थ्रीज में करनी, ये टूज में थी, ठीक है। अब मैं कर रही हूं थ्रीज में, ओके। सो सबसे पहले मैं कौन सा नंबर लूंगी, थ्री, ठीक है। नाउ विच इज द नेक्स्ट नंबर, थ्री के बाद थ्री मेरे को स्किप करने, सो क्या होगा, वन टू, और थर्ड नंबर कौन सा आया, सिक्स। सो क्या लिखूंगी, सिक्स, राइट। अब सिक्स के बाद अगेन एक नंबर गया, दूसरा नंबर गया, थर्ड कौन सा आया, नाइन, तो क्या लिखूंगी, नाइन। सिमिलरली नाइन के बाद एक नंबर गया, दूसरा नंबर गया, कौन सा बचा, ट्वेल्व, तो क्या आएगा, ट्वेल्व। सिमिलरली ट्वेल्व के बाद वन नंबर गॉन, सेकेंड नंबर गॉन, विच इज द थर्ड रिमेनिंग, फिफ्टीन, राइट। अगर फिफ्टीन के बाद करना हो तो सिक्सटीन, सेवनटीन, एंड विच इज द थर्ड नंबर, एटीन, तो क्या आएगा, एटीन, राइट। दिस इज नोन एज स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। अब सिमिलरली मैं फोर्स में करती हूं, ओके। सो अगेन आई विल इरेज दिस। अब मैं फोर से स्टार्ट करती हूं। अगर आपके पास नंबर दिए गए हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, यहां तक के आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपको फोर से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट आप फोर लोगे, ठीक है, फोर्स की से आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्किप काउंटिंग में फर्स्ट नंबर फोर है, इसकी मैं इसलिए डायरेक्ट फोर लिख रही हूं कि इसके आगे वन टू थ्री है, मतलब ये फोर्स में स्किपिंग है तो स्टार्टिंग नंबर फोर है। अगर थ्रीज में स्किपिंग है तो स्टार्टिंग नंबर थ्री आएगा, टूज में स्किपिंग है तो स्टार्टिंग नंबर टू आएगा, अगर ये वन से स्टार्ट होता है, राइट। सो अब फोर में है तो सबसे पहले वन टू थ्री कैंसिल करूंगी तो कौन सा आएगा, फोर। सिमिलरली फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन, थ्री नंबर्स कैंसिल किए, मेरे को फोर्थ में लेना है तो फोर्थ नंबर लूंगी, फोर्थ इज एट, तो क्या लिखूंगी, एट, ठीक है। अब एट के बाद अगेन वन नंबर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, फोर्थ कौन सा बचा, ट्वेल्व। सो व्हाट आई विल राइट, ट्वेल्व। अगेन वन कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, थर्ड कैंसिल, कौन सा बचा, सिक्सटीन। सो व्हाट आई विल राइट, सिक्सटीन। अगर सिक्सटीन के बाद और थ्री नंबर कैंसिल करूं, सेवनटीन एटीन नाइनटीन, तो फोर्थ कौन सा बचा, ट्वेंटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू जीरो ट्वेंटी, राइट। तो ये आपने जो देखा इसको बोलते हैं स्किप काउंटिंग। स्किप मतलब एक छोड़ दिया, दो लिखा हो तो दो नंबर छोड़ दिए, थ्रीज में लिखा हो तो थ्री नंबर छोड़ दिए, फोर्थ लिखा हो तो फोर नंबर छोड़िए, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू डू स्किप काउंटिंग। और जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है करना, टेबल्स आपने वन का और टू का टेबल लर्न किया है, तो स्किप काउंटिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ लर्निंग टेबल्स। लाइक टू का टेबल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, ये आप देखोगे ये एग्जैक्ट टू का टेबल ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि टूज में स्किप करना है, और स्किप काउंटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग टेबल्स। अब वैसे ही मैं जब आपको थ्री का टेबल सिखाऊंगी तब आप उसमें भी यही चीज देखोगे, ये थ्रीज में स्किपिंग है, टेबल्स में भी ये होता है, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तो थ्री के टेबल में भी थ्री से स्टार्ट होगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। सिमिलरली फोर का टेबल भी ऐसे बनता है, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड फोर फोर जा सिक्सटीन। सेम ये स्किप काउंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको टेबल्स में भी अप्लाई होता है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग, ओके। आपको पेज नंबर 103 पर ऑलरेडी स्किप काउंटिंग ऑफ थ्रीज दिया गया है, उसमें आप लोग ये लिखोगे, ऑलरेडी उसमें आपको थ्री और सिक्स दिया गया है, उसके बाद थ्री स्किप करके कौन सा नंबर आएगा वो आपको उसमें फिल करना है, जो मैंने बोर्ड पर आपको
करवाए, राइट। नाउ चिल्ड्रन, बुक में आपके पास स्किप काउंटिंग इन टेंस दिया गया है। हमने 4 तक का स्किप काउंटिंग देखा, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब होता है, राइट। सो अब अगर आपको 10 का स्किप काउंटिंग करना है तो आप कैसे करते हो? इट इज वेरी इजी, इजी देन एवरीवन। क्यों? बिकॉज 10-10 के ग्रुप्स में ही काउंट करना है। सपोज आपके पास नंबर है 10, अब 10 के बाद आप और 10 स्किप करोगे, लाइक सपोज मैं लिखती हूं 11, 12, 13, 14, पहले आगे 10 लिख देती हूं, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, ठीक है, 10 तक आपने किया। उसके बाद आपको 10 में स्किप करना है, तो आप कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड विच इज द 10th नंबर? 20। तो 10 के बाद कौन सा आएगा? 20। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप टेंस में स्किप काउंटिंग करते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टेंस में जब आप स्किप काउंटिंग करते हो, ऑलवेज रिमेम्बर 10 के बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। कभी भी इनके बीच में 35, 38, 40, 45, 50, 49 ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। टेंस में मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, वही स्किप काउंटिंग हुआ। तो एवरी टाइम जब टेंस में स्किप काउंटिंग हो, तो जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख रहे हो स्मॉलर टू ग्रेटर, वैसे ही जाएगा 10, उसके बाद 20, 30, 40, देन 4 के बाद क्या आता है? 5। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, 50 का, देन 60, 70, 80, 90 एंड एट लास्ट 90 के बाद आता है 100। दिस इज द वे यू डू स्किप काउंटिंग इन टेंस। आप अपने फिंगर्स पर भी ये स्किप काउंटिंग कर सकते हो। नाउ यही चीज आपको बुक में भी दी गई है, इसके नंबर नेम्स दिए गए हैं, इसकी प्लेस वैल्यू दी गई है, और लास्ट में ये 10 से लेकर 100 तक कैसे फॉर्म होता है वो भी आपको दिया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, राइट। सो दिस इज स्किप काउंटिंग इन टेंस, राइट। सो चिल्ड्रन, टुडेज टॉपिक वॉज स्किप काउंटिंग। नाउ इसी के बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 104। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 104। नाउ चिल्ड्रन, जो एक्सरसाइज है उसमें आपको काउंटिंग के लिए नंबर्स दिए गए हैं, पर वो आपको एबेकस पर काउंट करने हैं, राइट। तो उसके ऊपर आपको दिया गया है कि काउंटिंग बाय टेंस ऑन एबेकस, 10 से लेकर 100 तक के नंबर एबेकस पे कैसे काउंट होते हैं वो हमने इसके पहले भी सीखा है। द सेम थिंग, नंबर्स कैसे काउंट होते हैं वो इसमें दिखाया गया है। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू कि आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सके, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 is first I'm going to solve, but उसके पहले मैं आपको बता दू, इसमें 100, tens और ones तीनों options दिए गए हैं। It is not necessary कि हर एक में hundreds की column में भी कुछ आएगा, जब 3-digit number होगा तभी वो hundreds की column में आएगा, remember, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि दीदी 100 की place में क्यों कुछ नहीं लिखा, बट अगर 2-digit नंबर हमारे पास आता है तो फिर हमें हंड्रेड्स की प्लेस पर कुछ लिखने की जरूरत रहती नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट इज, हमको नंबर दिया गया है 23। कौन सा नंबर दिया गया है? यहाँ पे मैं लिख रही हूं 23। सो ऑब्वियसली 2-digit नंबर है, राइट, और 2-digit नंबर है तो वो कहाँ पे आएगा? सिर्फ टेंस और वंस में। अब इसमें बुक में दिया गया है कि 100 आपको रेड कलर से करना है, टेंस आपको ग्रीन कलर से करना है,
और वंस आपको येलो कलर से कर रहा है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. आप अपनी पेन से या सॉरी आप अपनी पेंसिल से भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो. बट रिमेम्बर, जब भी आप ड्रॉ करो प्रॉपरली सर्कल ड्रॉ करो, एकदम मैसी लुक आए ऐसे मत करना. डोंट डू लाइक दिस, आपने ऐसा ड्रॉ किया ऐसे 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 नहीं करना. नो, हाउ यू विल डू वन सर्कल, अगर दो है तो टू, थ्री है तो लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस. ओके फाइन, चलो सो लेट अस स्टार्ट. ओके तो फर्स्ट नंबर इज 23. सो इसमें वंस की कॉलम में क्या है, थ्री. सो आई विल ड्रॉ विथ ब्लैक मार्कर, वन बीड, टू बीड एंड थ्री बीड, राइट. एंड टेंस की कॉलम में टू, सो हाउ मेनी बीड्स, वन एंड वन टू, डन. सो दिस इज डन फॉर क्वेश्चन नंबर वन. अब हंड्रेड की कॉलम में कुछ नहीं है तो हम लोग उधर कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे. सिमिलरली सेकेंड इज 30, 30, राइट. सो ये कैसे करोगे, वंस की कॉलम में जीरो है तो कुछ आएगा, नो राइट. और टेंस में थ्री बीट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बीट, टू बीट एंड द थर्ड बीट, थ्री बीट्स. और हंड्रेड में कुछ है, नो, सो वील नॉट डू दैट. देन थर्ड इज 41, वॉट इज इट, 41. सो क्या करेंगे, वन को कहां रखेंगे, वंस में, फिर फोर को कहां रखेंगे, टेंस में, वन टू थ्री एंड फोर. हंड्रेड में कुछ आएगा, नो, बिकॉज देयर इज नथिंग गिवन, राइट. सिमिलरली फोर्थ इज 52, हंड्रेड, टेंस एंड वंस. ओके 52 एंड द फिफ्थ वन इज 67, हंड्रेड, टेंस, वंस. ओके 67, चलो व्हाट यू विल डू, 52, तो आप क्या करोगे, टू इन वंस वन, ओके एंड टेंस में फाइव, सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव. हंड्रेड्स में आएगा कुछ, नो नथिंग, बिकॉज नथिंग इज गिवन. सिमिलरली 67, तो सेवन कहां पे रखेंगे, वंस में, बट यहाँ पे नंबर ज्यादा है, सो बी केयरफुल, बीट्स छोटे करना पर प्रॉपर करना. टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ऐसे आपके बीट्स दिखने चाहिए. ओके एंड टेंस में यू विल हैव टू राइट सिक्स, बिकॉज सिक्स टेंस, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. ओके फिर हंड्रेड में कुछ आएगा, नहीं आएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ऑन, यू हैव टू प्लेस द बीड्स ऑन एबेकस. ओके सो आई हैव डन फाइव, वन मोर आई विल डू. पिंक बॉक्स में जो दिया गया है उसमें लिखा है कि आपको नंबर दिया गया है, ड्रॉ द बीड्स ऑन द एबेकस फॉर 93 एंड कलर देम. कलर आपको नहीं करना, आपको पेंसिल से ही करना है. हंड्रेड, टेंस, वंस, दिस इज पिंक बॉक्स क्वेश्चन. ओके एंड द नंबर गिवन इज 93. हाउ यू विल डू दैट, थ्री कहां पे जाएगा, वंस में, सो वन टू एंड थ्री एंड टेंस में नाइन. यहां पे ज्यादा है बट बी केयरफुल इन ड्रॉइंग द सर्कल. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, राइट. सो दिस इज द वे यू विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द सम्स, दैट इज फ्रॉम 6 to 10 एज एन होमवर्क, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द बीड्स ऑन द एबेकस जो हॉट्स का है. अगेन आई एम राइटिंग ओवर हियर, मैं ये इरेज कर रही हूं. पेज नंबर 105, हॉट्स वाला क्वेश्चन, प्लीज ओपन दैट. ओके पेज 105, H O T S, राइट. अब उसमें क्या दिया गया है,
Draw the beads on the abacus for the given numbers and color them according to the color code. मैंने पहले भी बोला था, you don't have to color it. आपको पेंसिल से प्रॉपरली बीड्स बनाने हैं. अब उसमें फर्स्ट दिया गया है 101. अब आप देख सकते हो कि ये थ्री डिजिट नंबर है, राइट? आपने पढ़े नहीं है अभी तक 100 से ज्यादा, बट इसमें आए हैं. सो आई एम हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस. ओके, सो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड. वंस में क्या है? वंस में वन है, तो हाउ मेनी बीड्स इन वन? वन, राइट? फिर टेंस में जीरो है, तो यहाँ पे कुछ करेंगे? नो. और हंड्रेड्स में वन है, तो क्या करेंगे? हंड्रेड में भी वन बीड ड्रॉ करेंगे, राइट? सो सिंपल. नोट, इट इज थ्री डिजिट नंबर, बट इट इज इजी ऑल्सो. सेकेंड, ओके, सेकेंड नंबर इज 110. 110. अब हंड्रेड, टेंस और वंस, राइट? हाउ यू विल डू दैट? ओके, वंस की प्लेस पर जीरो है, तो हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे? नहीं. टेंस की प्लेस पर वन है, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? वन बी. ये क्या रिकमेंड करता है? 110. और 100 की प्लेस पर 1 है, तो कितने हम लोग करेंगे? 1. तो ये क्या हुआ? 100, 110 एंड 0 ones. इसका मतलब 110, राइट? सिमिलरली थर्ड में क्या बोला गया है? 109. ये भी थ्री डिजिट नंबर है. 9 ones, 0 tens and 100. Okay. So how you will do that? Okay. First 9 ones. So आप कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ones. Right? आपको सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ करने हैं, मैसी नहीं करना. अगेन आई एम टेलिंग यू. ओके, एंड टेंस में कुछ भी नहीं, जीरो. और हंड्रेड्स में इट इज वन. सो यू विल ड्रॉ वन बीड. सो इट मीन्स 100, 0 टेंस, 9 वंस. सो इट इज नोन एज 109. ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू हैव इवन कंप्लीटेड डूइंग दिस. नाउ नेक्स्ट इज मैथ अराउंड अस. वी विल सॉल्व दिस राइट नाउ. ओके, मैथ अराउंड अस इज समथिंग एक्स्ट्रा गिवन टू यू, आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो उसलिए. सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? उसमें दिया गया है, रोहन इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स. यू ऑल आर प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी जिसको आप बोलते हो, राइट? उसमें क्या होता है? एक पूरा बोर्ड होता है, राइट? और फिर उसमें नंबर्स ड्रॉ किए होते हैं, और फिर आपको डाइस डालना होता है, और डाइस के हिसाब से आपको नंबर्स पर मूव करना होता है, राइट? और जहां पे भी स्नेक होता है, तो आप स्नेक से पूरा नीचे आ जाते हो स्नेक की लैडर बनाकर, राइट? और कभी कभी लैडर होती है, तो लैडर से ऊपर चढ़ जाते हो, है ना? सो द सेम थिंग यू हैव टू डू इट विथ नंबर्स ऑल्सो, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर्स. ओके, हिज काउंटर वॉज ऑन द नंबर 27. इसका मतलब उसका 27 नंबर पर वो खड़ा था, डाइस फेंका था, तब वो 27 नंबर पर था. ये फर्स्ट लिख रही हूं मैथ अराउंड अस, सो दैट यू गेट क्लैरिटी. ओके, 27 नंबर पर था, उसमें से ही गॉट 4 ऑन द डाइस. ही गॉट 4 ऑन द डाइस. इसका मतलब जब उसने डाइस को चेक किया, तो उसको 4 नंबर निकला. डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर्स होते हैं, राइट? अब उसको 4 नंबर निकला, तो अब वो कौन सी प्लेस पर होगा? हिज काउंटर इज नाउ ऑन द नंबर डैश. तो अब ये जो डैश है, इसमें क्या नंबर आएगा? आप सोचो कैसे पता चलेगा कि अब वो कौन से नंबर पर है? यस, 27 है, उसमें 4 एड करोगे, राइट? 28, 29, 30 and 31. सो द आंसर इज 31. ओके, आप क्या लिखोगे? 31. तो अब वो कौन सी प्लेस पर खड़ा है? 31 पर.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन हिज नेक्स्ट टर्न रोहन गॉट 6 ऑन द डाइस. अब उसको क्या मिला, ही गॉट 6 ऑन द डाइस, उसको 6 निकला डाइस पर. अब वो कहां पे पहुंचा, यस आई नो यू ऑल नो 31 के बाद आप उसमें 6 ऐड करोगे, सो इट विल बी 32, 33, 34, 35, 36 + 1, 37. सो द आंसर विल बी 37. तो अब वो कहां पे पहुंचा, 37 पर. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थर्ड में ऑन हिज नेक्स्ट टर्न ही गॉट 3 ऑन द डाइस. नाउ हिज काउंटर इज ऑन, ही गॉट, अब क्या निकला, 3 ऑन द डाइस. यू कैन डू इट एट द होम इन होम विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो द सेम थिंग. तो अब वो कहां पे पहुंचा, 37 पर था, अब और 3 निकले तो क्या मिला, 38, 39, 40. सो व्हाट इज द आंसर, 40, 40, राइट. तो फर्स्ट का आंसर आएगा 31, सेकेंड का 37 एंड द थर्ड विल बी 40, राइट. सो यू कैन सी कि मैथ आपके गेम्स के साथ भी कितना रिलेट करता है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, स्किप काउंटिंग एंड वी ऑल्सो डिड इट्स एक्सरसाइज अबाउट एबेकस. सो टुडेज होमवर्क इज, टुडे यू आर हैविंग वेरी लेस होमवर्क, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 हाफ. आज का आपका सिर्फ यही होमवर्क है, बिकॉज हाफ हमने कर लिया, अब हाफ आपको करना है, राइट. सो दिस इज द होमवर्क. एंड चिल्ड्रन वन मोर थिंग, इस चैप्टर में आपको सीडब्ल्यू में कुछ भी नहीं लिखना, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं कि आपको सीडब्ल्यू के लिए दिया जाए. सो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही ये सारी चीजें लिखनी है, ये कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक का वर्क. And I will send you answer sheet with this. Okay. So with this we come to an end of our chapter. And I hope you understood the chapter and you will revise the chapter. Okay. So if you have any doubts, you can watch the video again and clear your doubts. So have fun and do complete your work. Bye-bye.